तकसीम शुद्ध सल्तनत। कई सालां तू बाद हजरती दाऊद गो इंतकाल हो गयो और उनका फरजंद हजरती सुलेमान इसराइलियां पर हुकूमत करन लगो। खुदा ने हजरती सुलेमान ना गल करन और उन ना पूछो कि उन्हें सारा तू ज्यादा किस चीज की ख्वाहिश है कि उन्हें मिले। जिस कड़ी हजरती सुलेमान ने हुकूमत मंगी ते खुदा खासो खुश होयो और उन्हें दुनिया को इंतहाई दहशतमंद इंसान बनायो। हजरती सुलेमान ने बहुत कुछ सीखो और वो बहुत बड़ी हुकूमत आलो जज थो। खुदा ने उस ना खासो दौलतमंद बनायो। यरूशलेम में हजरती सुलेमान ने वो इबादत खानो तामीर करो जिसके वास्ते उन गो बाप हजरती दाऊद मनसूबो बनावे थो और तामीर सामान भी इकट्ठो कर रखियो थो कि मैं खुदा नाल मुलाकात करन की बजाए लोग उन खुदा की इबादत और उसकी हुजूर कुर्बान इबादत खाना मां पेश करी था। खुदा इबादत खाना मां मौजूद हो और वो उत अपना लोकांगे नाल रहत हो। लेकिन हजरती सुलेमान दूजा मुल्कांगी औरतां नाल मोहब्बत करन लगो। उन्होंने तकरीबन 1000 औरतां नाल ब्याह करके खुदा की नाफरमानी करी। इन बिचू खासे सारी खातून पुरानी मलकी तू थी और अपना नाल अपना मनसूबा दा ना ले आयो और उनकी इबादत जारी रखी। जिस कड़ी हजरती सुलेमान बुढ़ो हो गयो ते वे उन गे देवता की पूजा करन लगा। खुदा ना हजरती सुलेमान वर गुस्सो थो और हजरती सुलेमान की नाफरमानी की सजा तौर पर उसने वादो कियो कि हजरती सुलेमान की मौत तू बाद इसराइलिया की कुम दो सल्तनत मा तकसीम कर जाएगी। हजरती सुलेमान का मरण तू बाद उनको फरजंद रूहानी बादशाह बन रूहानी एक बेवकूफ आदमी थो। इसराइलिया की कुम का सारा लोग उसकी बादशाहत की तस्दीक करन गए वास्ते जमा होया। उन्होंने रुझानी गए शिकायत करन गी हजरती सुलेमान उन तू खासो मोहब्बत कम करे वह थो और उन तू बहुत ज्यादा सलोनी करे थो। रबम ने बेवकूफी नाल उन्हें जवाब दितो तम नी सोचो कि मेरो बाप तेरा कोले बहुत मोहब्बत गो कम करे थो लेकिन हूँ तम ना उसकी निस्बत कई ज्यादा मोहब्बत करूँगो और हूँ तम ना उसकी निस्बत कई ज्यादा खड़ी सजा दूंगो। इसराइली कौम का 10 कबीला ने रुजनी के खिलाफ बगावत करी। सिर्फ 2 कबीला उसके तरफदारी या 2 कबीला यहूदियां की सल्तनत बन गया। इसराइलियां की कौम का दिगर 10 कबीला जिन्होंने रुजनी के खिलाफ बगावत करी थी उन्होंने यरबला नामी एक शख्स ना अपनू बादशाह मुकरर कियो। उन्होंने मुल्क के शुमाली सागी सरजमी मां अपने सल्तनत कायम करी और वो इसराइलियां की सल्तनत कहलाई। यरबाम ने खुदा के खिलाफ बगावत करी और लोका ना गुनाह भर उकसायो। उसने यहूदियां की सल्तनत की सरहद भर दो भी तामीर करवा ताकि उस गा लोग इबादत खाना मां खुदा की इबादत की बजाय उन बुतां की पूजा करें। यहूदिया और इसराइलिया की सल्तनत एक दूजा गा दुश्मन बन गया और वे अक्सर एक दूजा गा खिलाफ जंग लड़ता। इसराइलिया की नवी सल्तनत का सारा बादशाह बदकार था। इन बादशाह मां खासा सारा बादशाह बनी इसराइलिया के
हाथ लाख ओ जी जवान गी जंग खुद बादशाह बनू चावे थो। इसराइलियां की सल्तनत का सारा बादशाह और इसराइलियां की सल्तनत की ज्यादा तरकुम बन गी। पूजा करी थी बुतांगी पूजा मां कसरत नाल जिन नाल बदखलाकी और कदे भी बचांगी ना फरमानी भी शामिल थी। यहूदियां का बादशाह हजरती दाऊद की आलोला था। इन बादशाह बिचू कुछ असल और खुदा परस्त था जड़ा इंसाफ नाल हुकूमत करी था। लेकिन यहूदियां का परस्ती बादशाह बदकार बेईमान बदचलन बुतांगी पूजा करण आला था। इन बिचू कुछ बादशाह नी तै इत तोड़ी कि अपना बच्चा तोड़ी को छोड़ मबूदा गै अगे कुर्बान कर दित। यूदवा गा पिस्तर लोका नी भी खुदा गै खिलाफ बगावत करी और दूजा मामूद गी परस्ती करी। साला तीन तू ले गए बाबुल गी एक कहानी।